की मीटिंग नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ स्टेटसम ने इसलिए बुलाई है कि बलुचिस्तान की सिविल सोसाइटी के साथ मिलें अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने से पहले इनकी इनपुट हासिल करें सूबों का असली हाल देखें कि वहां क्या असल में सिचुएशन है ख़वान के हवाले से हम चाहते हैं कि कल जब हम ये प्लान बनाएं इस्लामाबाद में बैठ के तो इसमें ओनरशिप हो बलूचिस्तान की पंजाब की के पी के की आज़ाद कश्मीर की जी बी की पाकिस्तान की हर सूबे की सिंध समेत ताकि कोई भी सूबा कल ये ना कहे कि ये प्लान इस्लामाबाद में बना है आज हम बलूचिस्तान में आए हैं तो हमने गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, स्पीकर बलूचिस्तान, विमेन काकस विमेन पार्लियामेंट्री सेक्रट्री विमेन जेल विमेन दारालमान क्राइसिस सेंटर्स उमर्स पर्सन आज हमारी मीटिंग में मौजूद हैं इन सब से मुलाकातें की हैं हमारा मकसद ये था कि हम खुतन की असल सूरत हाल के ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकें ताकि आइंदा आने वाले वक्त में बलूचिस्तान की औरत के लिए कोई भी बात हो कोई भी ऐसा काम करने का हो जो हम वहाँ बैठ के कर सकें उसको हम अंजाम तक पहुँचाएँ तो अलहदुल्लह ये मीटिंग ये सारी जो कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है छोटी सी सिविल सोसाइटी की ये बहुत कामयाब है इसमें हम सिविल सोसाइटी की इनपुट ले रहे हैं बहुत सारी सिफारिशात हमारे सामने आई हैं लेकिन जो सर फहरस्त बात आई है वो ये है कि बलूचिस्तान में ख़वान के कमीशन का क़्याम बहुत जल्द होना चाहिए इश्तहार आ चुका है ख़वान अप्लाई कर रही हैं किसी ऐसी खातून का और मम्बरान का इंतखब किया जाए जो बिल्कुल मेरिट पे हो जिसको ख़्वीन के इशूज़ के बारे में आ गई हो और जो बलूचिस्तान की ख़ातन की मुल्क भर में और इंटरनेशनल सतह पर नुमाइंदगी कर सके अलहमदिल्ला एक और बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान इस्तीफ़ा अकवाम मतहद में जो कमीशन है ख़वात का उसका मेम्बर मुंतखब हो गया है उसके हवाले से भी आज बातचीत हो रही है कि उसके लिए कैसे तैयारी की जाए कि 8 मार्च को हम पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी भी करें और पाकिस्तान की हर सूबे की रिपोर्ट वहाँ पेश कर सकें इसके अलावा आज काम हमारा ये भी है कि हम मुख्तलिफ जो अदारे हैं जो ख़ीन की भलाई के लिए और ख़वान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर बैठाया जाए तो हमारे साथ विमिन पार्लियामेंटेरियंस भी हैं उसमें सेनेटर्स हैं एम एन एज हैं उसमें प्रोविनशल असम्बली के मम्बरान हैं उसमें सिविल सोसाइटी है उमड्स पर्सन है ये सारी ख़वात मिल के एक आवाज़ हो के बलूचिस्तान की उस मज़लूम औरत के लिए काम करने का अहद करना चाहती हैं जिसको असल मायनों में हमारी जैसी खातन की ज़रूरत है ये कॉन्फ्रेंस आज सरीना होटल तक महदूद नहीं है ये बलूचिस्तान के हर उस कोने में हर उस मुश्किल जगह तक पहुंचना है इस आवाज़ को जहां की औरत को ये पता नहीं है कि आज हम उसके हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं